दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत दिनों के बाद कोई हमारे साथ हैं लाइव में इनका नाम है इनका नाम है प्रखर कुलश्रेष्ठ और जाने माने एफिलेट मार्केटिंग के डिजिटल कोच हैं भारत में काफी टॉप पर रैंक करते हैं मेरे बारे में आपको पता ही है बाकी

to learn affiliate marketing and digital marketing in details. Finally, I cracked the code to earn high-ticket commissions on a day-to-day -day basis. And not only this, I am also a Google-certified digital marketer. I am already a Silver Play Button Award from YouTube, as you can see backside. And already I have been awarded as Business Icon of India for continuous contribution to the Aathmanirbhar Bharat Mission. And not only this, I'm also a part of Siddhartha Rashekar's community. and now I'm on a mission to help one lakh people create passive income sources through high ticket affiliate marketing and my vision is to create India's largest society of high ticket affiliate marketers and passive income earners and not only this I'm also on a mission to transform our country और जिसमें कि मैं अकेला तो सारा कुछ नहीं कर सकता हूं लेकिन मुझे आप जैसे ही अच्छे लोगों का इसमें साथ चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के अपनी कंट्री को अच्छा बनाएंगे ना सिर्फ हम अपनी जनरेशन के लिए काम करेंगे बल्कि आगे आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए भी हम कुछ नया सेट करके जाएंगे सो so, ऐसी मेरी उम्मीद है आप सब से और मुझे खुद पर भरोसा भी है और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इस पर खड़े उतरेंगे सो दिस वाज ऑल अबाउट मी इट वाज जस्ट शॉर्ट इंट्रो बहुत बढ़िया यू भाई सर Yeah, बहुत बढ़िया प्रकर, so, so प्रकर भाई प्रखर भाई तो एफिलियेट की सोसाइटी बना रहे हैं और हमारा मिशन है भारत देश को डिजिटल मार्केटिंग की कैपिटल बनाना और हम इसलिए हम चाहते हैं तांडव हम देते हैं फुल सपोर्ट और अब जब भाई साहब बना ही रहे बढ़िया नंबर वन सोसाइटी मार्केटिंग की तो इनका एक पेड कोर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद तो फ्री में मिलेगा आपको वैसे वो पेड होता है बट प्रखर जी का मैंने बिना पूछे बिना अनुमति लिए एक <laughs> इनका कोर्स फ्री में मिलेगा आपको आपने अगर तो, कह दिया तो अब वो फ्री ही हाँ, रहेगा क्योंकि हाँ, <laughs> आपने ऑन आप कैमरा बोल दिया ये और तो मेरा भी एक प्रीमियम कोर्स जिसकी कीमत ठीक ठाक है मेरा भी कोर्स फ्री रहेगा आपके लिए सो देट कि आप लोग स्टार्ट हो जाओ आगे बढ़ जाओ आइडिया मिल जाए आप लोगों को कि करना क्या है और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो फिर आगे बढ़ना एक बार क्लैरिटी लेने के लिए हमारे प्रीमियम हम आपको फ्री दे रहे हैं ठीक है भाई ये मैंने आजादी ले ली बिना अनुमति लिए आपसे कोई दिक्कत नहीं ऑडियंस के लिए सब कुछ करेंगे हाँ, अब बात क्या आती है कंट्री की और अपने जनरेशन को चेंज करने की तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो बिना पूछे भी हम कर ही सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो आज का जो टॉपिक है हमारा मैं तो फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा आप आए और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको क्विक इन्विटेशन पर आप आ गए और मेरे जैसे गांव वाले व्यक्ति के इन्विटेशन पर आप आ गए तो बड़ी बात है नहीं बड़ी बात मेरे लिए है कि आपने मुझे बुलाया मौका दिया मुझे क्योंकि लोगों को मौका नहीं मिल पाता बहुत सारे ऐसे लोग हैं बट आपने मुझे ये मौका दिया सो तो थैंक यू सो मच फॉर देट वन अगेन तो जो शुरू करते हैं अब जैसे कि जो व्यक्ति देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आपकी मदद से देखो इंटरनेट की दुनिया में ना चमक बहुत है ये चमक ये दमक तो रातों रात करोड़पति बनने के बहुत सारे अफेयर्स मार्केट में चलते रहते हैं बट हम इस पॉडकास्ट में जेनुअनली बात करना चाहते हैं कि एक डिजिटल कोच या एक फैमिली एक फैमिली पर टिका लेते हैं बात को या डिजिटल कोच की फैमिली या डिजिटल कोच कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की इनकम कर सकते हैं जरा आइडिया दीजिए आज की दुनिया में वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर है और अगर आप एक कोच हैं कंसल्टेंट हैं कोर्स क्रिएटर हैं या फिर कोई एक ऐसे ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं जहां पर आपके पास ऑलरेडी कम्युनिटी है तो फिर अगर आपके पास कम्युनिटी है तो फिर अपॉर्चुनिटी भी बहुत है क्योंकि पैसा बनता है लोगों से और लोग आपके पास अगर ऑलरेडी हैं तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं तरीके काफी सारे हैं लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और किसी भी फील्ड में आप चले जाएं बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप बना सकते हैं जिसमें कि मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो अपने केस में टूल्स हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनसे हम पैसा बना सकते हैं इतना ही है नहीं हमारे खुद के अपने जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको हम रेफर करके उनसे पैसा बना सकते हैं ना सिर्फ इतना बल्कि इसके अलावा और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका हम अफिलियट बन सकते हैं जैसे अमेजोन हो गया कितनी बड़ी कंपनी है दुनिया भर में चलती है उसका अफिलियट बन करके आप वहां से पैसा कमा सकते हैं और ऐसी शायद ही मैं समझता हूं कोई ऐसी बड़ी कंपनी होगी जो एफिलेट प्रोग्राम ऑफर ना करती हो क्योंकि उनको मालूम है कि जो पर्सन डायरेक्टली हमसे परचेज कर रहा है वो तो कर ही रहा है लेकिन अगर हमने थोड़ा सा रेफरल कमीशन दे दिया तो हमारे पास कस्टमर्स ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि ये विन 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 सिचुएशन हो जाती है तीनों लोगों के लिए एक जो कंपनी है उसके लिए भी और जो रेफर कर रहा है उसके लिए भी और जिसने प्रोडक्ट परचेज किया है उसके लिए भी क्योंकि जो रेफर कर रहा है वो बेस्ट प्रोडक्ट ला करके देगा मार्केट में लोगों को सजेस्ट करेगा जो उसने खुद यूज किया होगा जिस पर उसे ट्रस्ट होगा तो कस्टमर को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलने वाला है तो कस्टमर विन हो गया इधर रेफर जो कर रहा है उसको कमीशन मिलेगा वो विन हो गया और कंपनी के पास नया कस्टमर आ गया तो उसको भी विन सिचुएशन हो गई तो ये एक बेस्ट पार्ट रहेगा विन 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 सिचुएशन का इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा फील्ड है जैसा कि आपको मालूम है आप खुद ही उसके बादशाह हैं तो डिजिटल मार्केट में एक चीज तो है नहीं बहुत सारी चीज़ें ए सी ले लीजिए फेसबुक एड्स यूट्यूब एड्स गूगल एड्स ब्लॉग बनाना आर्टिकल्स लिखना पी में जाना बहुत कुछ है सो देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम बट आपको शुरुआत करनी है और किसी एक से फिर उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल सोर्सेज को ऐड करते चले जाना है और इसमें सॉफ्टवेयर्स और टूल्स आपकी मदद करेंगे आजकल तो नया एआई भी ट्रेंड में चल रहा है सो so, एआई बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने वाला है मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों की जॉब चली जाएगी बट क्योंकि प्रॉम्प्ट देने के लिए भी तो कोई इंसान ही काम करेगा ना आज ये हो सकता है जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ पीपल की वो थोड़ी कम हो जाए बट उसके लिए भी इंसान की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सोचेगा तो इंसान के आखिर में इसको प्रॉम्प्ट दूं क्या तो उसके लिए की जरूरत है अच्छा मैंने अक्सर पता क्या देखा है मैं देखा है डिजिटल कोचेस क्या करते हैं पहले तो वो बहुत सारी कंफ्यूजन में रहते हैं कुछ डिजिटल कोचेज ऐसे भी होते हैं एस्पायरिंग डिजिटल जो शायद लालच में आ जाते हैं कि मैं कोर्स बना के बेच दूंगा पैसे कमा लूंगा तो मैं ऐसे डिजिटल कोचिज को भी एड्रेस करना चाहता हूँ जो लालच में आते हैं और जो आते हैं कोच बनने के लिए उनके लिए तो है ही है तो एक सिचुएशन ये होती है कि हमारे कोर्सेज बन गए और चल निकले एक तो ये सिचुएशन है फिर तो पैसा बनने लगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बट मान के चलो छह महीने साल भर हमारे कोर्सेज हम बनाने में सफल नहीं हुए या कोर्सेज बन गए तो बिक नहीं रहे तो उस स्थिति में भी हमारे पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज होते हैं जिनको ज्यादातर एस्पायरिंग डिजिटल कोचेस अवॉइड कर देते हैं मतलब अगर एक एस्पायरिंग डिजिटल कोच अगर रेगुलर ब्लॉग भी लिखे मतलब एक ब्लॉग डेली लिखे अब एआई का आपने जिक्र किया है कि एआई की मदद से आप एक क्या दस ब्लॉग लिख सकते हैं डेली एआई की मदद से तो यूट्यूब तक बना सकते हैं आप आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है अपनी वॉइस देने की जरूरत नहीं है नहीं दे यहाँ पर फिर मैं लड़ाई लड़ता हूँ कि फिर आप किस प्रकार के कोच बनना चाहते हैं जब आप फेस ही नहीं दिखाना चाहते देन इट्स अ बिग जोक बिकॉज hmm. ये वीडियो डिजिटल कोचिज पर टारगेट है अभी एक बंदा है हमारा अग्रवाल भाई उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा काला सा पतला सा है तो सामला सा पतला सा है ज्यादा काला नहीं है वो बोलता है कि बिना चेहरा दिखाई डिजिटल कोचिंग बिजनेस चलाएं तो वो तो बकवास है तरीके नहीं नहीं डिजिटल कोचिंग तो नहीं चल सकती लेकिन हाँ यूट्यूब आपको अगर स्टार्ट करना है पैसे है तो यूट्यूब एक सोर्स हो सकता है बहुत सारे चैनल इस पर चल रहे हैं तो एक ब्लॉग अगर डेली लिखता है ना हमारा एस्पायरिंग डिजिटल कोच बंदा और यूट्यूब पर काम करता है रेगुलर ब्लॉग लिखता है तो एक ब्लॉग के माध्यम से फाइव प्लस इनकम आती है एक यूट्यूब के माध्यम से भी फाइव प्लस इनकम आती है तो कोर्सेज तो छठे सातवें नंबर पर आते हैं उससे पहले ही फाइव प्लस इनकम सोर्सेज तैयार हो जाते हैं तो एडसेंस की इनकम आती है छोटी आए दस रूपये आए तो आ तो रहे ना एक मोटिवेशन तो मिल रहा है कि दस रूपये आए हैं स्टार्ट तो होगा दस रुपए आए हैं तो किस सिस्टम से दस रूपये आए अब इसको मैं हजार कैसे कर सकता हूँ आपको पता है ना दस कैसे आए तो उसमें दस का गुणा लगाना है बस आपको दस का, का मल्टीप्लाई करना है भाई मैंने दो ब्लॉग लिख के और द, दस रूपये आ रहे हैं मेरे रोज तो अब भैया सीधी सी बात है बीस ब्लॉग और लिख दो तो सौ रूपए आने लगेंगे एग्जैक्टली सौ ब्लॉग और लिख दो तो फिर आपके हजार रुपए आने लगेंगे डेली ये सिंपल सा फंडा है तो जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं उससे भी पैसा आता है बैकलिंग से, से आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आता है गेस्ट पोस्ट इनकम आती है इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर है तो वहां से भी पैसा आता है बिल्कुल फॉलोअर्स मैटर नहीं करता पैसा कमाने के लिए फॉलोअर्स अगर कम भी होंगे अगर आप में दिमाग हो तो आप कम फॉलोअर्स से भी पैसा कमा सकते हैं कम से फॉलोअर्स माना तो... गया कि की अब लाखों से ही तभी आप पैसा कमाएंगे वो हाँ। तो इन्फ्लुंसर का फील्ड होता है बस जो नाच कुछ करते हैं डांस वांस करते हैं वो उनके लिए है जो डिजिटल चीजें हम... बट तो हम, हम भी इन्फ्लुएंसर हैं मतलब हमारा भी एक सेट एरिया है जो हमसे इन्फ्लुएंस होता है बिल्कुल बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो फिर कुछ लोग तो है ना सौ लोग तो मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं फिजिक्स वाले अब फिजिक्स वालों का कुछ प्रोडक्ट हो सकता, उसे बेच सकता तो कहने का मतलब है उसे को और वो बिल्कुल अलग नहीं है तो ये इको कैसे बनाया जाए हल्का सा इस पे डालिए प्रकाश इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो एस्पायरिंग डिजिटल कोचेज है ना वो आजकल ऐसा सोचते हैं कि पहले मैं अपना कोर्स रिकॉर्ड कर दूँ एंड देन उसके बाद उसको बेचूंगा ठीक है तो वो क्या करते हैं कि हाँ चलो इसमें लग जाते हैं पहले अपना टॉपिक वगैरह डिसाइड किया कोर्स रिकॉर्ड किया और जैसे ही मार्केट में निकले पता चला कि धड़ाम से गिर गए मुंह के बाद गिरते हैं क्यों क्योंकि पहले आपने उसकी टेस्टिंग तो की नहीं लोगों को पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या उस चीज की जरूरत लोगों को है जो आपने बना करके मार्केट में सेल करने की कोशिश की है तो पहले आपको टेस्ट एंड ट्राई करना चाहिए और उसके लिए शुरुआत में कोई सर्वे फॉर्म वगैरह आप क्रिएट करें या फिर आप कोई थ्री डेज का फाइव डेज का कोई लाइव चैलेंज करें जिसमें लोगों से आप इंटरेक्शन करें या आप वन टू वन लोगों से कंसल्टेशन करें तो आपको पता चलेगा कि आखिर मार्केट में नीड है क्या जब तक आपको पता नहीं चलेगा मार्केट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे और कोर्स क्या है बस यही होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देना वीडियो के माध्यम से यही कोर्स है अब अगर स्टेप बाय स्टेप यदि आपने कम पैसों में तो वो हो गया कोर्स इसी चीज को अगर आप लाइव करवा देते हैं ये हो गया आपका मेंटरशिप प्रोग्राम हैंड होल्डिंग प्रोग्राम और इसी चीज को आपने बड़े लेवल पे कर दिया वन टू वन में या मास्टर कर दिया आपने फिजिकल सेशन किए तो मास्टर कन्वर्ट हो गया तो ये चीज आपको आनी चाहिए पहले मार्केट में कैसे आपको लॉन्च करना है अपने ऐसा नहीं की कोर्स रिकॉर्ड करने पर लग गए या एआई का यूज किया सब कुछ कर लिया जैसे मार्केट में निकले आप कुछ फायदा नहीं हुआ एक रुपया नहीं कमाया वेबिनार करने पहुंचे पता चला वेबिनार में लोग नहीं आ रहे हैं अटेंडेंस ही नहीं है परसेंटेज बहुत कम है तो कैसे कन्वर्जन होगा तो एक एक प्रॉब्लम ये देखी ना कि मतलब लोग ना मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते वो चाहते हैं टॉप से स्टार्ट करें ज्यादातर एस्पायरिंग डिजिटल कोचिज की प्रॉब्लम है कि मेरा जब ना कोर्स परफेक्ट हो जाएगा वेबिनार परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब स्टार्ट करूंगा मैं बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत का जो स्ट्रगल है ना बेसिक स्ट्रगल उसमें जाना नहीं चाहते वो कहते हैं ना गो थ्रू द ग्राइंड वो मतलब बाईपास करना चाहते हैं बाईपास करना चाहते हैं मुझे ध्यान है आपसे मेरा पिछली बार एक इंटरेक्शन हुआ था पहली बार हुआ था इंटरेक्शन दूसरी बार तो एक मुद्दा उठ के आया था ब्लॉग वाला आपने उसमें मेरा पेज बनवाया था। तो तो मुझसे नहीं बना उतना बढ़िया, उतना मैं नहीं पेज में बट मैंने उसको में कन्वर्ट कर दिया था ब्लॉग में कन्वर्ट करना इजी है, as compared है? To landing page. में कन्वर्ट कर दिया था और उस एक ब्लॉग से मैं अब तक डेढ़ लाख रुपए कमा चुका हूँ सिंगल ब्लॉग पोस्ट से आप समझ रहे हो ना मैं किस ब्लॉग पोस्ट बात कर रहा हूँ ठीक है तो उस लैंडिंग पेज बदौलत मैंने नहीं बना पाया ब्लॉग बना दिया एक ब्लॉग डेढ़ लाख ब्लॉग भी बना सकते हैं हम शुरुआत में। जैसे बड़ी सी तो अगर उस टॉपिक की डिमांड है तो वो ब्लॉग भी खुलेगा रैंक करेगा और जनरेशन होगी बिल्कुल लोगों को पता नहीं है आपने जैसे ब्लॉग का बताया बहुत बढ़िया आप एज ए डॉक्यूमेंट भी सेल कर सकते पीडीएफ हाँ। e वो सेल होती है मार्केट में दो दो सौ तीन तीन सौ रूपए में आप उसके अंदर अपने सिग्नेचर ऑफर का लिंक देते हैं या कॉल बुक करने का आप लिंक देते हैं वन टू वन कॉल बुकिंग का तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं बट आपको ये सोचना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है क्या कुल पर... के पैसा कमाना और... बहुत आसान है हाँ पैसे कमाना बहुत आसान है हाँ, लेकिन हाँ आप सही रास्ते पर चल गए तो पैसा कमाना हद से ज्यादा आसान है लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जबकि इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं और एक्चुअली ना मैं मैं अपनी बता रहा हूँ दूसरों की नहीं बता रहा हूँ जब मैंने शुरू किया तो मैं खुद भी दिमाग ज्यादा ही लगाता था और अपना दिमाग ज्यादा लगाने के चक्कर में कई कई महीने डिले करिए प्रोग्रेस पर बाद में पता चला कि सिस्टम बड़ा सिंपल है बड़ा ही सिंपल सिस्टम है और वो ग्लोबल सिस्टम है ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा है कि आपका है ग्लोबल सिस्टम है शुरुआत छोटी होनी चाहिए फिर वहां से जो रास्ता है ऊपर जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं ए कोच हूँ तो मैं अपनी ए गाइड जो है फोर्टी नाइन रुपीज में ऑफर कर सकता हूँ

ये सीक्रेट बता दिया मैंने एस यू करने का सीक्रेट है ब्लॉग लिखो <laughs> एस यू करने का सीक्रेट <laughs> ही, ही हाँ, <laughs> हाँ। ज्यादा तो कंटेंट आप रिलीज करेंगे उतना एस यू आपका बढ़ता जाएगा एक बड़ी बहुत बड़ी बहुत दिक्कत आती है एस्पायरिंग डिजिटल कोचेस को ये डिसाइड करने में कि उनके लिए सिस्टम कौन सा बढ़िया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा बढ़िया है और जो उनका सीनियर मेंटोर होता है वो उनको अपनी पसंद की चीज चिपका देता है बिल्कुल बिल्कुल नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि जो उनका मेंटर है वो तो चिपकाएगा लेकिन भैया आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज सच में वो कामयाब है क्या हाँ। आपके वो काम की है भी या फिर नहीं है मेंटर हाँ। ने बोला और आपने ले लिया हाँ। तो यहाँ आपको अपना भी दिमाग लगाना होगा कि वहां पर जो चीज मिल रही है उस एल में क्या वो सारी चीजें आपके काम की है या फिर जिस चीज की आपको जरूरत है क्या वो उसमें है या नहीं है और क्या वो अफोर्डेबल है या फिर नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके एल जो बताया गया उसमें उसके अलावा भी आपको कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर अलग से लेने पड़ जाए तो पता चला आपका चालीस पचास हजार का बजट तो इसी में चला गया महीने का खर्चा लाग, लाग रहे आप भाई सब लाख लाख रुपए छीन रहे लोग भाई आप कमा नहीं रहे कुछ आ... भी और एल एम एस सॉफ्टवेयर टूल्स लेकर के आपका इतना बड़ा खर्चा ही चला पहले मेंबरशिप के डेढ़ लाख ले लेते हैं फिर एल एम एस शिप का एक लाख ले लेते हैं ठीक है इसके अलावा यहाँ खत्म नहीं होती बात बात यह की एल एम वगैरह आपने ले लिया अब आपको उसको सेटअप करना नहीं आता बड़ी प्रॉब्लम है हाँ। तो उसको सेटअप करवाने के सत्तर हजार रुपए और लेंगे <laughs> अच्छा पता है मार्केट में ऐसे कलाकार भी हैं उनका मैं नाम ले सकता हूँ मार्केट में ऐसे ऐसे कलाकार हैं भैया कि सिंपल गूगल शीट सिंपल गूगल शीट में उन्होंने अपने वीडियोज के लिंक लगा रखे हैं वीक वन की वीडियो वीक वन का असाइनमेंट गूगल डॉक की लिंक लगा रखी है वीक टू और वो लोग करोड़ों रुपए कमा गए बिल्कुल मैं ऐसे पर्सनली खुद लोगों को जानता भी हूँ हाँ, वो क्या करते हैं आपने तो इस तरीके से बताया वो तो सिर्फ ईमेल ईमेल भेजते हैं भेजा हाँ। भेजा और और वहां पर कि ये रहा लिंक और ये रहा रहा लिंक पासवर्ड आप देखो आज की वीडियो खत्म कल फिर एक नया ईमेल मेल आएगा वीडियो ये रहा लिंक और ये रहा हाँ। पासवर्ड देखो हाँ। इतना सिंपल प्रोसेस लोगों ने कर दिया और वहां से करो बहुत सिंपल बहुत सिंपल तो अब यहाँ पे जो समझ में आती है ना बात वो ये आती है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज ये है कि आप मार्केट में पहुंचो ज्यादा से ज्यादा हाँ, स्टार्ट आप करो कैसे भी करके। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब का वीडियो या फेसबुक का वीडियो है स्लो स्टार्ट हाँ. स्लो स्टार्ट और तो है, या इंस्टाग्राम का फास्ट स्टार्ट तो फेसबुक महंगा पड़ता है फेसबुक एड स्टार्टुक सबसे सस्ता पड़ता है ज्यादातर लोगों के पास पहुंचो और स्टार्ट हो जाओ और एलएमएस की अगर देखा जाए तो मुझे पर्सनली मैं मानता हूं कि एक करोड़ रुपए कमाने तक तो जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल नहीं पड़ेगी है ना? और अगर जरूरत पड़ेगी वाले तो फ्री वाले से काम हो जाएगा पेट पड़ती नहीं, नहीं।, नहीं है पड़ती <laughs> नहीं है एस की जरूरत पड़ती ही नहीं है पैसे कमाने के लिए दैट इज माई हंड्रेड परसेंट चैलेंज बट फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लाइक चीजों को ना सटीक कर लिया जाए सेटल किया जाए सेटल सटीक कर दिया जाए कि एकदम सब कुछ सटीक चले तरीके से तो इंटरनेट की दुनिया में फिर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या है वो है ईमेल की लिस्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है सबसे सबसे बड़ा पहला टूल तो मैं बोलूंगा यही है, है क्योंकि आप इससे एक बार पैसा नहीं कमाएंगे आप रिकरिंग इनकम कर सकते हैं इस ईमेल तो लिस्ट से तो ईमेल लिस्ट से ज्यादा खतरनाक प्रॉफिटेबल चीज इंटरनेट की दुनिया में कुछ नहीं है नहीं। तो इस वीडियो में हम यही कहेंगे कि एस्पायरिंग डिजिटल कोचेस भैया ईमेल लिस्ट पर ध्यान दो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो और छोटा मुंह बड़ी बात ईमेल लिस्ट बनाने के खतरनाक जो तरीके हैं वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं ये तो मैं दावा कर सकता हूँ और फ्री एक रुपया नहीं खर्च होगा आने वाले टाइम में भी कोई ये कहे कि दो हजार के बाद पैसे देने पड़ेंगे तीन हजार के बाद देने पड़ेंगे ना एक रुपया नहीं खर्च करना है फ्री बट सीक्रेट बताने के पैसे मैं लेता हूँ <laughs> देखो सिंसियर बंदों को बताया जाएगा ना क्योंकि सिर्फ ई मेल लिस्ट का टूल नहीं है ना उसके पीछे की सिंचाई नर्चरिंग करके उस कोच को उस लेवल तक खड़ा भी करना भैया तो ईमेल लिस्ट का मैं सीक्रेट बता भी दूंगा ना तो बंदा उसको हल्के में लेगा फिर फ्रिया बता दिया बिल्कुल उसकी वैल्यू नहीं समझेगा भाई ये है तो आप, कौन सा, है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं ईमेल लिस्ट के लिए मैं जो टूल इस्तेमाल करता हूँ वो मुझे तो फ्री ही मैं फ्री अभी तक पहुंचा मेरे लगभग सात आठ हजार स्टूडेंट्स हैं प्लस दो हजार पहले के स्टूडेंट्स हैं वो सारे सारे के मेरे एक ही एलएमएस पर हैं और वो एलएमएस फ्री चलता है बिल्कुल इसमें ऑटोमेशन कर सकते हैं फ्लोज बना सकते हैं ऑटोमेशन ब्रॉडकास्ट uh, भी कर सकते हैं न्यूज लेटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं सब कुछ है कोर्स कर सकते हैं नाम क्या उसका कहीं ये तो नहीं जो मैंने बताया था नहीं वो नहीं है जो आपने बताया है मुझे तो डाउट्स है अच्छा बताओ फिर नाम बताओ अब मुझे नहीं पता आपने पहले कौन सा बताया था मैं किसके बारे में बताने जा रहा एस, एस बताया था एस. हाँ ऐसी एस <laughs> मैं आपको बोलूंगा कि जो मुझे मार्केट में सबसे बेस्ट लगा लगा वो टीचेबल लगा है उसकी जो क्वालिटी बेस्ट है और जो इसमें फीचर्स हैं वो बेस्ट है कैसे लेकिन उन्होंने फिर अब क्या चेंज किया प्राइसिंग चेंज कर दिया वह इसी वजह से वो हो गया खराब तो टीचेबल में ईमेल मार्केटिंग है ईमेल मार्केटिंग है ईमेल कैंपेन है

बहादुर लोग आ चुके हैं जो उन सबको पीछे छोड़ रहे हैं। जब फिर ग्रा, एक ग्राफी मैंने ग्राफी ग्राफी अच्छा। रिगी रिगी कि यूज, है? यूज किया मैंने रेगी यूज किया ग्राफी में क्या है पहले तो उन्होंने वेबिनार दे दिया कि आपको वेबिनार दे देते हैं जूम का फ्री अभी जब जूम का वेबिनार दो ग्राफी वाला यूज करोगे आप तो उसमें दिक्कत यह आती है कि बंदे मोबाइल से यूज कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं उस वेबिनार को बट वो नीचे जो चैट वेट के ऑप्शन आते हैं ना वो बहुत मक्खी जैसे हो जाते हैं दिखते नहीं है नॉर्मल नॉर्मल में तो प्रॉपर दिखते हैं बट जो ग्राफी से करोगे तो, तो ग्राफी ने क्या किया है कि उसको कुत्ता बना दिया है जूम को अपने अंदर जो ग्राफी के अंदर जो जूम है ना वो पता नहीं क्या मोडिफिकेशन किया है उसको एकदम घटिया कर दिया है तो अगर ग्राफी के अंदर जूम इस्तेमाल कर रहा है कोई बंदा तो खत्म टाटा बाय बाय

हम करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं बट रुपए का ये बहुत बड़ा है, मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूं। भाई, आपको महीने के सिर्फ आठ सौ रूपये साढ़े सात सौ रूपए खर्च करने और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा हाँ वो भी है वो भी है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी गूगल मीट से फ्री में हो जाएगा गूगल मीट से, से फ्री में हो जाएगा और हाँ। बताइए और क्या चाहिए गूगल मीट से फ्री में हो गूगल मीट में वो एक्सपीरियंस नहीं आता तो पंद्रह सौ रूपये जूम के मतलब कहने का ये है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो तरीके तो है बिल्कुल फ्री है जितना लंबा चाहो आप सेशन करो लोगों के साथ में कर सकते जितना मर्जी और उसको रिकॉर्ड कर लो सब काम कर लो सब हो जाता है सारी जुगाड़ हो जाती है फ्री में सब कुछ फ्री हो जाता है और एक सीक्रेट मैं बताना चाहूंगा और लोगों को जो डिजिटल कोच बनना चाहते हैं कि भाई अपना कोर्स पहले रिकॉर्ड मत कीजिए पहले थोड़ा सा मार्केट में कुछ भी अपना लॉन्च कीजिए लोगों के साथ बातचीत इंटरेक्शन कीजिए कुछ भी अपना फ्री का लॉन्च कीजिए फ्री वर्कशॉप कीजिए फ्री वर्कशॉप दीजिए फिर आपके पास पता चलेगा आपको जो लोग आएंगे उनसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ के उनको बताएंगे जब बताएंगे तो जाहिर सी बात आप उसको चार्ज कर सकते हैं शुरुआत छोटे से कीजिए लो टिकट से कीजिए देन उसके बाद हाई टिकट पे चले जाइए और ये जो इंटरेक्शन लाइव आपने किया लोगों के साथ में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए एज ए कोर्स अब आप इसको भी बेच सकते हैं और ये टोटल आपको पैसिव इनकम ला करके देगा क्योंकि फ्रंट एंड पे तो आपको कुछ करना नहीं है एड चलाना है लैंडिंग पेज बनाना है और लोग ऑटोमेटिकली खड़ा 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 आते रहेंगे। मैंने कैनवा मैं की कैनवा की वर्कशॉप दी थी मैंने और वो सारी वर्कशॉप रिकॉर्ड कर ली मैंने दो सौ उनचास रुपए का बिकता तो है ब्लॉग यू, से बिकता है डायरेक्ट बिकता रहता है बाकी लोग मेरे स्कूल में आते है वो कैनवा खरीद लेते है लेते हैं तो वो जो हजार पांच हजार की जो इनकम है रोज की वो ऐसी हो जाती है वो दो सौ उनचास रुपए का कोर्स है खरीद ही लेते हैं लोगों को पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो यही है उनको लगता है कि जब मैं काम करूंगा तब पैसा आएगा <laughs> और पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैं वेबिनार करूंगा जब मैं कोई सेशन कंडक्ट करूंगा तब मेरे पास पैसा आएगा लेकिन वो जमाना गया <laughs> अब ऐसा नहीं है अब तो आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो एक बार की मेहनत करके ही बिना कुछ करे भी आपको बिना कुछ करे ही पैसे कमा सकते हो शर्त यह एक बार तो काम करना पड़ेगा बस वहीं तक आपकी मेहनत है देन उसके बाद पैसा आपके पास अपने भाग राग, आप भाग करके आएगा राइट राइट आपको अपनी स्किल्स को थोड़ा उस वे में डेवलप कर लेना है कि आप पैसे तो पैसा कमाना अब आप बोलेंगे कि पैसा कमाने में क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं जबकि चाहते यही है कि पैसे इनकम आए लाइफ बढ़िया हो जाए टाइम फ्रीडम हो मनी फ्रीडम हो लोकेशन फ्रीडम हो लेकिन भैया जब आप जॉब करोगे जब आप नाइन टू फाइव करोगे तो आपके पास टाइम फ्रीडम तो है नहीं गया आप वहां से थके घर पे आए भाई साहब रुकिए जरा 9 to 5 की असली कहानी नहीं पता आपको नाइन टू फाइव नाइन टू फाइव तो कह देते हैं हम लोग नौ बजे ऑफिस पहुंचने के लिए सात बजे घर से निकलना पड़ेगा और सात बजे घर से निकलने के लिए साढ़े पांच बजे जगना पड़ेगा हाँ। और नाइन टू फाइव से सात बजे घर पहुंचेगा थका हारा फिर वो उस बीच रास्ते में दोस्तों के साथ गप दारियर भी, भी चल जाती है है और रात के के बजे पहुंचता तब तक बच्चे ट्यूशन पढ़ पढ़ा के, थक हार के सो जाते हैं दूसरे दिन बच्चों का अलग चल रहा है उसका अलग चल रहा है सात दिनों तक बच्चों से मुलाकात ही नहीं ढंग से बस एक बार मिलेंगे बेटा लव यू बात खत्म टाटा बाय बाय तो उस चीज को भी समझना होगा तो वहां पर आपको पैसे के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ साइड असल करना होगा

और आज मैं नेशनल लेवल पे सपोर्ट देते हैं। <laughs> मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं अभी कल परसों दो तीन लोगों ने ज्वाइन किया सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं लोग इंडियंस हैं वो बाहर रहते हैं और वो आकर के ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात है इस वजह से आ कुवैत से

वहां तो आपको चालीस यार देना बहुत अच्छा लगा अरे बहुत बड़ बड़ी लगाया अब आचे 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 आर ले लेते ले हैं वहां नहीं लगता हाँ। हाँ। और वहीं अगर बात की अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे स्किल डेवलपमेंट पे तो वो आपको बहुत महंगा लगता है जबकि ये ऐसी जो आपको लगातार पैसे दे सकती है ये आपका एक असर्ट होगा और वहां आप लाइब्रेटी बना अपने लिए तो अल्टीमेटली जो हमारा डिस्कशन था वो था एक तो डिजिटल कोचिज को पैसे इनकम पे काम करना चाहिए बट हमारी इस वीडियो का जो अल्टीमेट एम है डिजिटल कोचेज को गाइड करना है कि जो एल एम एस है देखो एक तो एल एम एस हमने कई सारे एल एम एस डिस्कस कर लिए गूगल शीट से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं नो डाउट अबाउट इट बट वो भी, भी सीखना पड़ेगा हो गया, हो गया। बट यहाँ पर मेरा आपसे पूछने का है कि देखिए टैग मैंगो है मार्केट में टैग मैंगो मुझे ऐसा लगता है जैसे मर्सिडीज है ठीक है मर्सिडीज है वो और उसको रोड पे चला रहे हैं तो स्क्रैच लग जाएगा ये हो जाएगा फिर उसकी सर्विस कराने में धूए निकल जाएगा ठीक है सर्विस ही उसकी सवा में होगी उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग नहीं है उसके अंदर ईमेल के सीक्वेंसेस नहीं है जी। मतलब तमाम दुनिया के फैंसी फीचर्स हैं बट एसी नहीं है ऐसे समझ लो आप या फिर ऐसे समझ लो पहिए नहीं है गाड़ी में सब कुछ है पहिए नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल कोच के लिए या ऑनलाइन बिजनेस के लिए ईमेल लिस्ट और ईमेल लिस्ट में इस समय इंडिया में जो सिस्टम है देखो डिजिटल कोचेस 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 जो जो बड़े हैं को पढ़ाते हैं वो अपनी तरफ से मार्केट घुमाते हैं बट इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सही सही ज्ञान दे देना सही सही टिप दे देना तो पहले टीचेबल अच्छा होता था अब कोई कह रहा है कैराग्राफी अच्छा है कोई कह रहा है टेगमिंग अच्छा है मैंने सारे इस्तेमाल किए हैं आपने भी किए होंगे प्रखर भाई हाँ जी सिस्टम ही के टक्कर में है कोई सिस्टमी के टक्कर में मुझे तो कोई तक मिला नहीं है कोई नहीं है सिस्टम में ईमेल लाखों लोगों तक भेज दो लिमिटेड पैसे में ब्लॉग्स अनलिमिटेड लिख दो उसी पैसे में ऑटोमेशन का फ्लो बना दो उसी पैसे में कम्युनिटी courses... बना दो कम्युनिटी हाँ। बना दो उसी courses, पैसे में कम्युनिटी सब उसी में है एफिलिएट मार्केटिंग कर दो उसी पैसे में राइट और एडसेंस की इनकम कमा लो उसी से और इतना ही नहीं आप अपने कोर्सेज इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचा सकते हैं उनका खुद का एक मार्केट प्लेस है मार्केट प्लेस है कोर्सेज को अगर आप बेचते हैं तो फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपका कोर्स परचेज किया जा सकता है किया जाता है किया जाता है जैसे कि, तो मेरे की आपने, आपने ये सुना वरियर प्लस हो गया जेवीज हो गया क्लिक बैंक हो गया यहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करते हैं तो उनका भी एक अफिलियट मार्केट प्लेस है

तो सही एलएमएस जो है आज की डेट में वो है सिस्टम मतलब बता रहे हैं भाई हमें सिस्टम ही पैसा नहीं दे रहा है बिल्कुल बट ये कि आपको बताने का फर्ज था इस वीडियो का जो जो कंक्लूजन है वो यही है बाकी आप फ्रीडम एल एम होता है गूगल का सीट यूज करो गूगल डॉक इस्तेमाल तो वर्ल्ड पर सकते हैं आप वर्ल्ड प्रेस पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं आप नॉर्मल गूगल गूगल शीट से ही पूरा पैसा कमा सकते हैं और वर्ड प्रेस से कमा सकते हैं विक्स से कमा सकते हैं बहुत से सस्ते में लिंक इन से पूरा कोर्स चला सकते हैं कोर्स चलाने की तो बहुत सारी तरकीब है बिल्कुल बट इन सब चीजों में अल्टीमेटली एक ई लिस्ट आती है सबसे ऊपर अच्छा इमेल लिस्ट में क्या होता है जैसे कुछ लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि व्हाट्सएप एड चलाओ व्हाट्सएप एड में डायरेक्ट बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है बिल्कुल ठीक है बट वो छोड़ गया व्हाट्सएप ग्रुप तो फिर आप क्या कहां से पकड़ के लाओगे बट अगर वो व्हाट्सएप में आया था ईमेल लिस्ट के थ्रू और व्हाट्सएप छोड़ गया तो महीने तो फिर वो में आ है, very, very, very yes. और इंडिया में नहीं बाहर आप देखें यूएस वगैरह में ईमेल लिस्ट सबसे ज्यादा काम करती है अरे लोग एक वेबसाइट है मैं यहाँ पर आपको बता दू यूडीमी यूडीमी पर एड्स चलते हैं एड्स का मतलब कि वो जो वेंडर्स है ना उनके पास लाखों और करोड़ों लोगों की ईमेल लिस्ट रहती है आप अगर अफिलियट पर्सन हैं अगर आप कोई अफिलियट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरा यह लिंक है और सौ लोगों तक तो भेजो उसका वो चार्ज करते हैं सौ सौ डॉलर दो सौ डॉलर और वहां से आपको अच्छी अफिलियट सेल मिलती है क्योंकि वो उन्होंने जो ईमेल मेल लिस्ट है एकदम ऐसी क्रिस्प बना करके रखी है जो उसी फील्ड के इंटरेस्टेड पर्सन है फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ का कोई प्रोडक्ट भेजा तो उनके पास हेल्थ की लिस्ट अलग होगी आपने बोला कि मेरे एक मनी ऑनलाइन का ऑफर है उनके पास एमएम की लिस्ट अलग होगी

और मैंने अभी अभी यूट्यूब पर एक वीडियो लॉन्च किया है पब्लिश किया है और उस वीडियो को मैं अपने न्यूज लेटर में सब एक लाख लोगों को भेज देता हूँ बिल्कुल तो एक लाख में से दो चार हजार लोग उस वीडियो को तुरंत देखेंगे बिल्कुल देखेंगे और, और यूट्यूब को सिग्नल मिल जाएगा हाँ और वो वीडियो रॉकेट बन जाएगी बिल्कुल इस चीज जैसे आपने ये आइडिया बोला ना मैंने इस चीज को ट्राई भी किया दोपहर को मैंने एक ईमेल भेजा जिसमें कि लगभग तो पांच हजार कुछ लोगों को वो गया ईमेल एक स्पेशल लिस्ट दी उनको मैंने भेजा और दो तीन मिनट नहीं हो पाए थे उससे पहले सौ से ज्यादा लोगों ने उसको तुरंत ओपन कर लिया हाँ। मैंने कहा एक दो मिनट में इतना जल्दी लोग तैयार बैठे हैं ओपन करने हाँ। के लिए ईमेल लिस्ट में ये होता है तो ये इसका बेनिफिट है हाँ। अभी मैंने चेक नहीं किया दो तीन घंटे मैं पूरा चेक करूंगा लोग यूट्यूबर्स क्या करते हैं प्रकर भाई कि वो कहते हैं कि मैंने यूट्यूब पब्लिश किया है अब इसको पच्चीस लोग लगातार देखो जिससे कि YouTube को सिग्नल मिले और ज्यादा लोग देखेंगे बट अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है तो किसी के खुशामद करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है जस्ट जस्ट सो गाइस आई हैव द YouTube वीडियो लेट मी नो हाउ इट इज यस यस स्टूडेंट्स तो देखेंगे ही देखेंगे ईमेल लिस्ट में से भी कुछ लोग देखेंगे यूट्यूब को सिग्नल मिलेगा वो अब हजार लोगों को और दिखाएगा तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया वहां से एडसेंस की इनकम आएगी वहां से एडमिशन आएंगे वहां से लीड्स आएंगे तो एक तंगड़ा वाला इकोसिस्टम बन जाता है yes. so that is और ये जो पूरा प्रोसेस है ना पूरा ऑटोमेट किया जा सकता है स्टार्टेड फ्रॉम गेटिंग लीड्स टू कन्वर्जंस बीच में जो जो भी पूरा प्रोसेस हो रहा है ये सब ऑटोमेशन पे हो सकता है अगर आपको कोई चीज लाइव करनी है तो वो आप लाइव क्लासेज जो अपनी मेंटरशिप है उसको लाइव रखें बाकी पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड चल सकता है राइट 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 बहुत लंबा डिस्कशन हो गया प्रखर भाई आज के लिए तो फिर हम लोग आएंगे किसी और टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के लिए प्रखर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और जैसा हमने प्रॉमिस किया था मेरा और प्रखर जी का दोनों का जो कोर्स है वो आपको फ्री मिलेगा प्रीमियम कोर्स है है बट इस लाइव को अगर आपने पूरा देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो कोर्स फ्री में मिलेगा फिर मिलते हैं प्रखर जी आखिरी शब्द आपकी तरफ से बस यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत करने के लिए कभी भी कोई सही वक्त नहीं है अगर आप अभी इस बात को सुन रहे हैं तो यही सही वक्त है अभी से शुरुआत कीजिए और आगे बढ़ने की आप पूरी कोशिश कीजिए बाकी कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग साथ में हैं। और कभी भी जो बोलते हैं ना कि लेट हो गए हम काफी लेट हो गए पहले करना चाहिए था तो भाई आप कभी लेट नहीं है जब जाओ तभी सवेरा ऐसे बोला जाता है और वो एग्जैक्टली सही बात है आप अगर आज से शुरुआत करोगे तो आप कम से कम एक साल बाद या दो साल बाद बोल सकोगे अच्छा हुआ मैंने तब स्टार्ट कर लिया लेकिन right, अगर अभी right. स्टार्ट नहीं करोगे आप अगर अभी भी बोलते हैं यार मैं तो बिजी हूँ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो भैया आप अंबानी से ज्यादा अमीर नहीं हो चौबीस घंटे उसके पास भी हो और आप भी के पास भी चौबीस घंटे ही हैं राइट right, तो right, बस right, कहीं right. ना कहीं आपका जो है टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इश्यू है उसको आप देखें एंड इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट ए डिजिटल कोचिंग बिजनेस राइट थैंक यू वेरी मच नमस्कार जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच